पंक ऑडियो के अपने 600-600 आरएमएस वाले हैं। हाँ जी भैया जी, तो 600-600 आरएमएस के भाई 200 वूफर लग रहे हैं, टोटल अपने 1200 आरएमएस। भाइयों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई आया है भाई बहादुरगढ़, और मैं आपको दिखाऊंगा भाई बहुत ही प्यारी अपनी शिफ्ट रहने वाली है। और भाई भाई ने कुछ हटके काम कराया हुआ है, बहुत ही प्यारा रैप करा रखा है। तो मिलाते हैं भाई से और दिखाते हैं क्या कुछ काम हो रखा है, सारी चीज़ों की भाई कॉस्ट की बात करेंगे और सब चीज़ों की बात करेंगे भाई भाई ने कहाँ कहाँ से काम कराया। तो वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। तो भाई अपनी ये वाली गाड़ी रहने वाली है, देखो आप भाई कितनी प्यारी रैप हो रखी है, येलो कलर में रैप करा रखी है भाई ने। तो अजय भाई क्या हाल चाल आपके? भाई बढ़िया, सुनाओ भैया। तो बस हम तो अपना बढ़िया हैं, आप एक बार बता दो आप कहाँ से हो? भैया मैं हूँ बहादुरगढ़, प्रॉपर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से? हाँ जी भैया। तो भाई जैसे आपने ये शिफ्ट है अपना, कौन सा मॉडल है ये? हमारा 22 मॉडल है भैया, 7वां महीना 22 मॉडल। और वैसे वेरियंट में मतलब भैया LXI VXI कौन सी? VXI भैया। VXI है? VXI है, और ZXI में कन्वर्ट कर रखी है भैया। अच्छा, पूरी कन्वर्ट करा रखी है। तो फ्रंट से आपने क्या क्या चेंज करा रखा है गाड़ी में? ऑटो मोड की लाइट वगैरह, और ये फोग लैंप वगैरह, और आरएस की ग्रिल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो हेडलाइट आपने वो मतलब जो पुरानी वाले आते हैं उसको देखिए या नहीं लगवा दी? नहीं लगवा दी भैया। तो इनकी क्या कॉस्ट पड़ गई थी? इसकी 40,000 रुपए की भैया, टोमोरी लाइट 40,000 रुपए की। कंपनी से लगवाई थी? कंपनी से भैया। अच्छा, कंपनी से लगवाई थी आपने, इसलिए महंगी पड़ गई। वैसे आफ्टर मार्केट तो मेरे ख्याल से 20-25,000 रुपए में। हां जी भैया, और ये जो फोग लैंप है इसमें क्या करा रखा? फोग लैंप में भैया एचडी बल्ब डलवा रखे हैं, एचआईडी वाले हैं, एचआईडी बल्ब डलवा रखे हैं। और भैया 6,000 रुपए बल्ब दोनों, 6,000 रुपए के? हां जी भैया जी। भाई देखो 6,000 रुपए के भाई ने एचआईडी बल्ब लगवा रखे हैं, देख सकते हो। बाकी ये जो भाई ने ये रिफ्लेक्टर अपने चेंज नहीं कराए हैं, ये नहीं करा रखे भैया, सिंपल जैसे लोग बागो लगा देते हैं ना आईपीएच वगैरह, ये नहीं लगा रखे भैया, सिंपल नॉर्मल उसमें बल्ब में, और एचआईडी बल्ब डलवा रखे हैं। हाँ, मतलब अपना नॉर्मल जो ये आता है कंपनी से उसके अंदर भाई लगवा रखा है इन्होंने एचआईडी। तो इसमें बढ़िया रिस्पॉन्स है, बढ़िया रिस्पॉन्स है भैया, दूर तक मतलब फ्रंट तक मतलब बहुत दूर तक दिखा देती है भैया रोशनी। और आपने फ्रंट से अपनी आरएस ग्रिल लगा रखी है, तो भाई देखो ये और भैया रूट्स वाले ओरन लगवा रखे हैं। अच्छा, रूट्स भी लगे हुए हैं? हाँ जी भैया जी। तो भाई ये देखो यहाँ पे रूट्स वाले ओरन लगवा रखे हैं भाई ने, ब्लैक करा रखे, पूरा बढ़िया लग रहा है। और भाई इसकी क्या कॉस्ट पड़ गई थी आरएस ग्रिल के? आरएस ग्रिल 3800 रुपए के भैया, 3800 रुपए की। ये भी आपने बहादुरगढ़ से करा रखा है भैया। और ये रूट्स वगैरह? रूट्स वगैरह भी बहादुरगढ़ से करा रखे भैया, 4000 रुपए के रूट्स के ओरन अभी। अच्छा, 4,000 रुपए के थे यहाँ पे? हाँ जी भैया। वैसे अपने दिल्ली साइड में 2,500 के आसपास मिल जाते हैं, बहादुरगढ़ में 4,000 रुपए के है अपने पास भैया। और भाई ये जो रैप आपने कराया है ये आपने क्या सोच के करा दिया? मतलब येलो नॉर्मली एंजॉय के लिए, मतलब अपने मतलब येलो कलर पे ही आपका कैसे? मतलब मेरे को येलो कलर पसंद है सर उसे ही। अच्छा, येलो आपका फेवरेट कलर? फेवरेट कलर है भैया। तो भाई देखो वैसे तो येलो कलर है ना किसी किसी गाड़ी पे सूट कलर है, मतलब और किसी मतलब ऑरेंज ग्रीन ये कलर है, मतलब ये मतलब कोई देखता नहीं इनको। हाँ। ये सदाबहार कलर ही, मतलब ये गाड़ी साइड के जाती है तब पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं सब। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी भाई अपनी ऐसी लग रही है ना येलो कलर में। भाई आपने टार्जन देखी है? टार्जन देखी है बिल्कुल। बस अगर ये ना भाई टार्जन भी येलो कलर में होते तो भाई ये टार्जन ही बोलते लोग इसे भाई। इसमें अगर कोई भी हमारा दोस्त वगैरह मतलब और कोई भी थर्ड पर्सन बैठता है गाड़ी में तो ये मानता है कि भाई कोई मर्सिडीज रेंज रोवर में बैठे, अंदर से भी ऐसी करा रखी है भैया मैंने। भाई ने बहुत बढ़िया काम करा रखा है। तो अपना साइड लुक से बात करें तो भाई साइड से करा रखे भाई ने अलॉय व्हील चेंज। तो भाई कितने इंच में अपने अलॉय व्हील? 18 इंच में है भैया ये। 18 इंच है? 18 इंच है भैया, और इनके अंदर है
HID लाइटें, मतलब उनके अंदर 10 कलर हैं जो बार बार चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर RGB वाली लाइट, RGB वाली लाइट है। हाँ। और जो एलोए है, एलोए पे रैप करा रखा भैया। अच्छा हाँ, देखो भाई अलॉय पे रैप हो रखा है। ये अपना रेनबो शेड वाला रैप है। हाँ जी। और भाई ये जो आपने अजय लिखवाया हुआ है, ये कैसे लिखवा? ये बस शौक में लिखवा रखा भैया। अच्छा, ये बीच में मतलब एक्रेलिक शीट कटवा के, बस एक्रेलिक शीट कटवा के नजफगढ़ से, और इसमें नाम लिखवा दिया था अपना। अच्छा, नजफगढ़ से कराया ये अपना। ये देखो भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये जो टायर अपना है, चाइनीज है, कौन सा है? ये चाइनीज टायर है, मतलब नॉर्मल टायर है, ट्रायंगल के टायर है, चाइनीज भी नहीं है और ओरिजिनल भी नहीं है, मीडियम है ये। तो क्या कॉस्ट पड़ गई थी टायर अलॉय? एक टायर 7200 रुपए का है। 7200 रुपए का एक टायर? एक टायर और 8000 रुपए का एक अलॉय है। तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें, 60000 रुपए की, 60000 रुपए में टायर और अपना अलॉय व्हील है। हाँ जी। और ये जो आपने अजय लिखवाया, इसका क्या कॉस्ट? 600 रुपए के। 600 रुपए के चारों अपने, चारों नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। और जो अंदर की लाइट है, ये 8000 रुपए की लाइट है और 3000 रुपए के रैप करा रखा अलॉय पे। अच्छा, 3000 रुपए में भाई ने रैप कराया हुआ अपना ये कलर रेनबो शेड वाला। और अंदर देखो भाई, लाइट लगी हुई है अपनी RGB वाली, आपको थोड़ी सी दिख रही होगी वीडियो में। तो आपने ब्रेक कैलिपर्स वगैरह भी येलो ही करा रखे, अपना फेवरेट कलर येलो रखा। हाँ, तो भाई देखो शूट कर रहा है बिल्कुल। और भाई ने अजय जो लिखवाया ना, वो भी येलो कलर में करवाया। तो भाई आपने शीशे भी ब्लैक करवा रखे हैं, कैसे चला लेते हो ब्लैक शीशे? बस अपनी 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 बस वो पसंद है, मैं शुरू से ही ब्लैक का शौकीन हूँ। अच्छा, अगला आप ही चला, मतलब बराबर है हमेशा ही। मेरे 2 साल हो गए गाड़ी को, तो 2022 मॉडल है, सरू से मैं गाड़ी को ब्लैक जेड रखता हूँ भैया। तो भाई देखो, हम तो ब्लैक रिकमेंड करते हैं नहीं, बाकी भाई ने ब्लैक कराया हुआ है। और अगर साइड मिरर की बात करें तो भाई, ये इंडिकेटर वगैरह इसमें आता ही है? नहीं नहीं, इस पे कलर करा रखा है, रैप करा रखा है इस पे ही ब्लैक कलर का। नहीं, ये तो इस पे तो रैप करा रखा अपने, मतलब जैसे इंडिकेटर आता ही है। अच्छा, और आपने ऑटो फोल्ड वगैरह कुछ कराया हुआ है? और नहीं करा रखा भैया। अच्छा, वो सिंपल है अपना। तो भाई देखो, साइड से कुछ इस तरीके की लुक है गाड़ी की, आप देखो एक बार भाई साइड होना जरा। तो ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से दिखती है अपनी गाड़ी, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है भाई निकल के। और अगर बात करें भाई पीछे की, भाई आपने ये क्या लिखवाया हुआ है? ये लिखवा रखा भैया, यू जस्ट गोट पास्ट बाई एक गर्ल दूसरी गर्ल से पूछती है कि आए जीजी वो नहीं दिखा, भला जीजी अभी तो गए आपके पास से, इसका मतलब ये है। अच्छा, तो भाई आप अगर कोई समझ गया हो तो ठीक है भाई। समझ रहे हैं भैया, हर कोई समझ लेता है इस लाइन को। तो अगर पीछे से बात करें तो भाई, आपने यहाँ पे ये स्पॉइलर भी चेंज कराया हुआ है? स्पॉइलर चेंज करा रखा भैया। तो एक बार इस साइड आ जाओ आप। तो अपना कौन सा स्पॉइलर है? ये स्पॉइलर है मॉन्स्टर, शायद मॉन्स्टर। हाँ, ये अपना मॉन्स्टर स्पॉइलर है और ABS क्वालिटी के अंदर ही आता है। ABS क्वालिटी के अंदर है, ये 8000 रुपए का स्पॉइलर है। अच्छा, ये भी आपने बहादुरगढ़ से कराया था? बहादुरगढ़ से करा रखा। और एक नीचे स्लाइसर स्पॉइलर है, ये 6000 रुपए का है। तो ये भाई ने देखो डिफ्यूजर वगैरह लगाया हुआ है हियर अपना। और ये इसकी क्या कॉस्ट पड़ गई थी? इसकी कॉस्ट 6000 रुपए की है। 6000 रुपए का पड़ गया था अपना। हाँ जी भैया, और दोनों नंबर पे चेंज करवा रखी है भैया, अगली भी और पिछली भी। तो भाई ये नंबर देख सकते हो, ये है भाई की गाड़ी का। और भाई ने टेल लाइट भी चेंज करा रखी है, दोनों बहादुरगढ़ से करा रखी है। तो कौन सी वाली है? अपनी मर्सिडीज वाली है। मर्सिडीज वाली लाइट है भैया ये। भाई ये देखो, बाकी कोई नाइट की क्लिप है गाड़ी की, मतलब नाइट की कोई वीडियो? वीडियो है मेरे पास। हाँ, तो वो भाई मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो आप देख लेना भाई, ये लाइट वगैरह सारा दिख जाएगा आपको। 28000 रुपए की। 28000 रुपए की लाइट पिछली, ये बहादुरगढ़ से पड़ी है? बहादुरगढ़ से पड़ी थी, वहाँ पे तो 15000 के आसपास थी। दिल्ली में तो भाई 11000 रुपए के आसपास ही आ जाती है। भैया ज्यादा थोड़ी महंगी देते हैं। तो आप दिल्ली से ले जाते हैं ना सारा काम करवाने के लिए? भैया मुझे नहीं ज्ञान था। अच्छा, जब कराया आपने तब इतना नहीं था? हाँ जी, हाँ जी, अभी अब बाद में आके आपको पता चला है। तो भाई ये जो आपने क्या करवाया हुआ, ये अपना एक लोगो बनवा रखा है? ये लोगो उसका है जहाँ से मैंने अब गाड़ी का शुरू से ही काम करा रखा, बहादुरगढ़ सेल्फ मेड डिटेलिंग के नाम से है दुकान बहादुरगढ़। अच्छा अच्छा, हाँ जी भैया। भाई देखो, कुछ इस तरीके की लगती है अपनी गाड़ी पीछे से। और भाई का जो डिफ्यूजर है, कुछ ऐसी लुक दे रहा है भाई। और ये बढ़िया लगता है अपना, सदाबहार है, सदाबहार रंग है भैया। और ये देखो भाई, इस साइड से भी भाई ने बढ़िया काम कराया हुआ है, मतलब सेम है अपना। भाई ये जो आपने लगा रखा है डेप बाउंस, इसका क्या मतलब है? का मतलब सिस्टम है गाड़ी में। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपने सिल्वेस्टर वगैरह लगाई हुई है? हाँ जी भैया, इसका कॉस्ट पड़ गया था सिस्टम का 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का आपने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा। तो एक बार डिग्गी खोल के दिखा देते हैं। दिखा दो भैया। तो भाई देखो, अपना डिग्गी के अंदर ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, स्पंक ऑडियो के अपने 600-600 RMS वाले हैं। हाँ जी भैया। तो 600-600 RMS के भाई 2 सबवूफर लगे हैं, टोटल अपने 1200 RMS हो गया। 1200 RMS हो गया। और 300 के स्पीकर लगे हुए हैं खिड़कियों में। हाँ, 300-300 वोल्ट वाली अपनी मिड लगी हुई है, मिड लगी हुई चारों खिड़कियों में। हाँ, तो भाई अगर क्या नाम है, तो भाई जैसे आपने इतना बड़े सिस्टम लगा रखा 1200 RMS के सबूफर है अपने। हाँ जी भैया। तो इनको रन करने के लिए कौन से एम्प लगा रखे हैं आपने? ये मोनो एम्प लगा रखे हैं भैया। मोनो एम्प मतलब कौन सी कंपनी का, कुछ पता है आपको? कंपनी तो नहीं पता लेकिन भैया मेरे को। अच्छा। लेकिन मोनो एम्प लगे हुए हैं 4।
चार नहीं चार मोनो एम्प नहीं होंगे, एक मोनो एम्प होगा, मोनो एम्प है, तीन मतलब नॉर्मल एम्प है। हाँ, तो अंदर आपने ट्विटर वगैरह भी लगाए हुए हैं, ट्विटर वगैरह लगे हुए हैं, तो एक बार अंदर चल के दिखा देते हैं सारी चीजें। तो भाई देखो, भाई ने अपना एम्बियंट लाइट वगैरह लगवा रखी है, अपनी VXI गाड़ी है, और यहाँ पर देखो भाई ने कुछ इस तरीके के सीट कवर वगैरह लगवाए हुए हैं, और मोनो एम्प लगाया हुआ है भाई ने यहाँ पे। तो ये अपना SNB का 1500 है, मैंने खोल के देख लिया भाई, और ये देखो कुछ इस तरीके से भाई ने काम कराया हुआ है, और ये देखो भाई यहाँ पर भी येलो करा रखा है, और एम्बियंट लाइट वगैरह लगा रखी है भाई ने, बढ़िया। तो भाई ये जो अपनी स्क्रीन वगैरह लगा रखी है, ये मैक्सोलिंक है, मैक्सलिंक की है भाई, अपनी स्क्रीन लगा रखी है, और भाई ने यहाँ पे देखो अपना पिलर वगैरह जो है, रूफ वगैरह पूरी ब्लैक करा रखी है, ब्लैक करा रखी है। और क्या कराया हुआ आपने? और भैया एक HID कैमरा लगवा रखा पीछे। अच्छा, वो HID कैमरा लगवाया हुआ है, एक एंडेस लगवा रखा भैया। ये अपनी VXI के अंदर भाई आता नहीं है, तो ये लाइट चेंज करवा रखी है भैया, ये व्हाइट लाइट लगवा रखी है भाई ने, और भाई ने ये भी लगवा रखी है अपने, ये 2 इंच की मिड बोलते हैं, मिड बोलते हैं, टूटर बोलते हैं। तो क्या कुछ कॉस्ट पड़ जाती है इनकी मिड की? 5600 रुपए के दो टूटर है, 5600 रुपए की। ये भी अपने बहादुरगढ़ से लगवा रखे हैं भैया, और अपनी 300-300 वॉट की भाई मिड लगी हुई है अंदर, और चारों में मिड है ना, चारों गेट चारों में मिड है, और अपना SNB का 1500 भाई वो लगा हुआ है मोनो एम्प, और एक अपना इधर लगा हुआ है। हाँ जी भैया। और क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी म्यूजिक सिस्टम की? मतलब 1.5 लाख के आसपास सिस्टम था, मतलब सिस्टम में आपने 1.5 लाख रुपए लगा रखे हैं। जी भैया। और ये जो आपने इंटीरियर का काम कराया था, ये ब्लैक वगैरह ये सारा, इन सब में कितना लग गया? इनमें मतलब टोटल गाड़ी में मतलब इंजन में लगा हुआ था 5600 के तो ये है, और मतलब 1000 रुपए का एड्रेस लगा हुआ था, और भैया 10000 की ये लगी हुई थी। अच्छा, ये मतलब क्या बोलती इसको, ये वेलवेट वाली अपनी, और 14000 रुपए की टच है मैक्सलिंक की। अच्छा, ये सिस्टम तो क्या रिस्पांस है इसका? इसका HID बिल्कुल मतलब नहीं कभी हैंग होती, और मतलब अच्छी क्वालिटी है, देखने में भी अच्छा, मतलब अपना देखो भाई HD में वीडियो चलती है इसके अंदर, और बढ़िया क्वालिटी है, हैंग वगैरह होती नहीं है भैया। तो स्टीयरिंग वगैरह पे भाई ने अपना लिखवा रखा है माँ बापू, तो ये तो भाई अपना है ही। हाँ जी भैया। और मतलब वो क्या बोलते हैं 7D मेडल वा रखे हैं गाड़ी में। अच्छा, 7D मेडल है भाई, देखो नीचे की तरफ अपना, और ये भाई वॉशिंग वगैरह करवा रखी है बढ़िया। हाँ जी भैया। तो भाई गाड़ी ऐसी चमकती रहती है, चमकती रहती है वैसे, 2 साल हो गए, कोई ये नहीं देखने वाला, कोई ये नहीं बता सकता कि गाड़ी को 2 साल हो गए। तो वैसे स्विफ्ट चला रहे हो आप, तो कैसा लगता है आपको? ऐसा लग रहा है मेरे को तो कि मैं मर्सिडीज या रेंज रोवर वगैरह इंडियर वगैरह चला रहा हूं। भाई बना भी रखी है आपने ऐसी येलो कलर, तो वैसे भी भाई अपना फरारी वगैरह के अंदर सूट करता है, पैसे भी बहुत लगे हुए हैं भैया गाड़ी में, 5 लाख के समथिंग लगे हुए हैं पैसे गाड़ी में। टोटल भाई 5.5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास भाई लगे, और बाकी कुछ चीजें भाई चेंज होती रहती है गाड़ी के अंदर टाइम के हिसाब से। भाई ये जो आपने एम्बिएंट वगैरह लाइट लगवाई थी, इसकी क्या कुछ कॉस्ट पड़ गई थी? 5000 रुपए। और ये कौन सी अपनी, K4 है K3 है? K4 है अपनी, जो रेनबो शेड में आती है। तो एक बार म्यूजिक सिस्टम भी सुना देते हैं। सुना दो भैया जी। भाई एक बार हेडफोन वगैरह लगा लेना, आपको बेटर वॉइस क्वालिटी वगैरह मिलेगी। तो भाई एक बार म्यूजिक प्ले कर दो। भाई अपना साउंड सिस्टम तो बहुत बढ़िया लगवा रखा है अपने, अपना बेस वगैरह और वोकल वगैरह बहुत बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और भाई आपने मतलब जैसे बेस कंट्रोल वगैरह भी लगवाया हुआ है? जी भैया, अलग से लगवा रखा है यहाँ पे भैया जी। अच्छा, ये अपना भाई SNB वाला है, तो ये भी लगाया हुआ है भाई ने। अभी इससे ना यहाँ से सारी बेस वगैरह कंट्रोल हो जाती है, लो हाई जो भी करना होता है। तो भाई गाड़ी को मतलब कुल आपने कितने की खरीदी थी पैसे टोटल? गाड़ी 7-28 की खरीदी थी ऑन रोड। कैश लेकर आए थे? फाइनेंस कैश लेके आया था मैं तो। अच्छा, और आपने अब 5 लाख रुपए इसमें लगा दिया भाई? तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई जितना पैसा लगाया ना भाई ने एकदम सफिशिएंट है। ओके भाई जी, मतलब पैसा कोई दुख नहीं रहा मेरा, मतलब पैसा हर जगह काम पे आ रखा है, जो भी गाड़ी को देखता ही रह जाता भैया, उसी चीज से मेरे पैसे वसूल है। मतलब भाई गाड़ी एकदम बढ़िया है, और पूरी गाड़ी आपने डैम्प भी करा रखी है? डैम्प करा रखी है, चारों खिड़की करा रखी है, ऊपर छत करा रखी है, पीछे खिड़की करा रखी है। तो ये देखो भाई पूरी गाड़ी डैम्प हो रखी है अपनी, स्ट्रांग हो रखी है पूरी गाड़ी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। हाँ, और मिलते हैं आप सभी से भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।